आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिफोडॉक्सिम एंड ओफ्लोक्सासिन के कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट दी जाती है। सिफोडॉक्सिम एंड ओफ्लोक्सासिन टैबलेट के अगर उपयोग की बात की जाए तो फ्रेंड्स, ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। इसका उपयोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाला जो इन्फेक्शन है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होता है, इसके अलावा लंग्स में जैसे निमोनिया होना, पानी का भर जाना, टाइटनेस लगना चेस्ट में, बहुत अधिक बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत होना, इसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, इसके अलावा किसी पेशेंट को गले का अगर इन्फेक्शन है जैसे टॉन्सिलिटिस है, फेरिंजाइटिस है, तो इन सभी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए ये टैबलेट दी जाती है। ENT डॉक्टर की ये पहली पसंद है। ये टैबलेट ENT डॉक्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा कान का इन्फेक्शन है, कान में अगर इन्फ्लामेशन है, सूजन है या पस पड़ गई है, अगला इसका उपयोग है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है, जो कि किडनी से लेकर नीचे तक यूरिनरी ट्रैक्ट तक अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसे ट्रीट करने के लिए दी जाती है, जिसमें लोअर एब्डोमिनल पेन है और पस आना, यूरिन पास करने में दिक्कत होना, तो उस समय पर भी ये टैबलेट एडवाइस की जाती है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होना, वाइट डिस्चार्ज होना, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए उपयोग की जाती है, क्लेमाइडिया या गोनोरिया को ट्रीट करने में ये टैबलेट उपयोगी है, पुरुषों में टेस्टिस में सूजन आ जाना या पस आने लगना, इसके अलावा जनन अंगों में सूजन आ जाना, इन सभी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए ये टैबलेट उपयोग ली जाती है। इसके अलावा इस टैबलेट का उपयोग टाइफाइड के फीवर को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट के और भी उपयोग हैं, जैसे स्किन सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन होना, बोन और जॉइंट में पेन होना या उनमें इन्फेक्शन होना, क्योंकि ये एक एंटीबैक्टीरियल दवाई है जो कि सभी तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करती है। अब जान लेते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। सबसे पहले आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। यहाँ हम केवल एक जनरल डोज की बात कर रहे हैं। अगर 100 mg की टैबलेट है तो इसे 12 साल से कम उम्र के बच्चे को सुबह शाम दी जाती है। इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। इस टैबलेट को जनरली 5 से 7 दिन के लिए दिया जाता है, और अगर 5 या 7 दिन में फ़ायदा नहीं है तो इसे 14 दिन के लिए भी दिया जाता है। ये टैबलेट बच्चों में, एडल्ट में और ओल्ड मैन में सभी में दी जा सकती है। इस टैबलेट को प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाना चाहिए। 200 मिलीग्राम की अगर टैबलेट है तो इसे एडल्ट में सुबह शाम खाने की सलाह दी जाती है। इस टैबलेट को पानी के साथ निगलना होता है और खाना खाने के बाद लिया जाता है।